एक तरफ राहुल गांधी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने की होड़, दूसरी तरफ मोदी की दावेदारी का रथ, तीसरी तरफ आम आदमी पार्टी का उदय। ये तीन ऐसे समीकरण हैं जो इस वक्त हिंदुस्तान की राजनीति की दशा और दिशा तय कर रहे हैं, और जल्द ही इनमें से कोई देश की दशा और दिशा भी तय कर सकता है। लेकिन कैसे? ये सवाल आज इसलिए उठ रहा है क्योंकि मोदी ने आज लंबे वक्त के बाद बड़े अंदाज से, बड़े ही चुटीले अंदाज से कहा है कि अगले कुछ महीनों में अच्छा वक्त आने वाला है। इशारा था कि उनकी सरकार बनने वाली है, लेकिन क्या बदलते हालात में यह बयान आत्मविश्वास या फिर अति आत्मविश्वास कहा जाएगा? समीकरण क्या है देखिए। तीन किरदार, तीन दावे और तीन सवाल। आखिर कौन बनेगा प्रधानमंत्री? कौन सी पार्टी मारेगी लोकसभा चुनाव में बाजी और किसके दिन बदलने वाले हैं? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब भले ही भविष्य के गर्त में हो, लेकिन राजनीतिक दावों के अखाड़ों में इसका जवाब अभी से तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छी बात कही कल। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि निराश होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही जल्द अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन हो सकता है 4-6 महीने इंतजार करना पड़े, लेकिन मेरा विश्वास है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। हर व्यक्ति को सपना देखने का अधिकार है, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जो बात कही थी अर्थव्यवस्था के बारे में कही थी, ना कि राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। दिन बदलें या ना बदलें, सपने पूरे हों या ना हों, लेकिन मुश्किलें बीजेपी और कांग्रेस के लिए कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ तो मोदी को उनके ही मित्र खुद को बदलने की सलाह दे रहे हैं, उनको अब आपकी बातें और आपका पद खटकने लगा है। नरेंद्र मोदी बद्दल फक्त एकच गोष्ट वाटते ती मी स्पष्टपणे सांगणं मला असं वाटतं आवश्यक आहे। त्या माणसाबद्दल मला, त्यांच्या कामाबद्दल, गुजरातमध्ये केलेल्या कामाबद्दल मला आदर आहे आणि चांगली गोष्ट वाटते। जे मी तेव्हाही बोललो होतो, मी आजही बोलतो, याच्यामध्ये काही वेगळं वाटण्यासारखं कारण नाही। पण ज्या दिवशी त्यांना पंतप्रधान पदाचा उमेदवार म्हणून जाहीर केलं भारतीय जनता पक्षाने, मला असं वाटते की त्या दिवशी नरेंद्र मोदींनी गुजरात राज्याच्या मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यायला पाहिजे होता। ये जो बात है, सबसे पहले हमने कही थी, सामना में हमने लिखा था, राज ठाकरे ने हमेशा शिवसेना की भाषा कही है, मुद्दे वही है, बात भी वही है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अब तो संघ को भी एक नया डर सताने लगा है। आरएसएस ने कह दिया है कि बीजेपी को विधानसभा चुनाव से ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, उल्टा आम आदमी पार्टी से सतर्क रहने की जरूरत है। सूत्रों की माने तो हैदराबाद में हुए संघ की इस हाई प्रोफाइल बैठक में बीजेपी प्रमुख राजनाथ सिंह भी शामिल थे। वहीं कांग्रेस के लिए मुश्किलों का तो मानो पहाड़ खड़ा है। कांग्रेस ये तय ही नहीं कर पाई है कि वो प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल का नाम ले या ना ले। पीएम उम्मीदवारी को लेकर कांग्रेस में साफ तौर पर दो रुख सामने आ गए हैं। जो निर्णय लिया जाएगा वो राहुल जी की सहमति से लिया जाएगा। किसी घोषणा की हमको प्रतीक्षा नहीं की आवश्यकता नहीं है कि वो घोषणा हो तब हम उनको नेता माने, वो हमारे नेता हैं, हम उन्हें मानते हैं। मैं बुनियादी तौर पर इसके पक्ष में नहीं हूँ कि किसी भी पार्टी का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार पहले से तय हो जाए। दूसरी तरफ राहुल गांधी को लेकर पार्टी और पार्टी के सहयोगी दोनों दबाव बनाए हुए हैं। मैं तो ये कहूंगा कि जितना जल्दी ये अनाउंस करें उतना उनके लिए बेहतर है। खामोखा क्यों बैठे रहें कि जब इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद करेंगे, अगर फैसला करना आज करो। लेकिन बड़ा सवाल आम आदमी पार्टी के सामने भी है कि क्या तो बेहद तजुर्बेकार और बड़े काडर वाली पार्टियों के सामने वो कड़ी चुनौती दे सकेगी? क्या आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव तक अपने पक्ष में दिल्ली की लहर को देश में फैला सकेगी? ये वो सवाल हैं जो न सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए बड़े हैं, बल्कि ये बीजेपी और कांग्रेस के लिए भी उतने ही अहम हैं। आज तक ब्यूरो।